हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबके कमेंट रोज आते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के कट ऑफ बता दीजिए, तो मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आपके इस वीडियो में कुछ अलग लेकर के आया हूं। काफ़ी सालों की डिमांड थी सर, 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था सर, उसके बारे में बताइए उस समय कितना कट ऑफ गया था। तो मैं काफ़ी ढूंढ रहा था, तो आज मुझे ऑफिशियली मिल गया है। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट इलाहाबाद आप देख सकते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018 में जो हुआ था उसकी कट ऑफ मार्क ये है, अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की। और ये जो कट ऑफ मार्क है बेसिकली फाइनल कट ऑफ मार्क, यानी कि फाइनल में कितने नंबर सबको मिले थे। तो फाइनल यानी कि 250 नंबर में, तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी थी आपकी वो 166.8 नंबर गया। तो ये पॉइंट में नंबर किस लिए है, पॉइंट में नंबर इसलिए है क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था या अब इस बार भी जो पेपर होगा, आपके टाइपिंग में नंबर जो होते हैं वो पॉइंट में मिलते हैं, जैसे कि आपकी टाइपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो ये तो भाई पिछले बार की कट ऑफ है, आप देख सकते हैं आपकी किस तरह से कट ऑफ गई थी। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो ओमेन की कट ऑफ है और आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ है, जैसे इस बार मैंने आपको बताया था कि लगभग एक समान ही रहती है, तो यहाँ पर भी ओमेन की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ लगभग एक समान रहने वाली है। और आप देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ और एससी की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं है, और एसटी की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, देख सकते हैं 127.2 कट ऑफ गई थी, ये पूरा 250 नंबर में कट ऑफ है। और अगर हम बात करते हैं डीएफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 156 नंबर कट ऑफ गई थी, जो कि आप देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड के और डीएफएफ की लगभग बराबर था, ओबीसी से बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो ये पिछले बार का कट ऑफ एनालिसिस है, और यही सारी चीज़ देख करके मैंने इस बार भी आपको कट ऑफ के बारे में बताया है। तो इस बार अगर मैं बताता हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इस बार मैंने आपको बताया ना कि भाई टाइपिंग में 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। और आपको पता है ऑफलाइन पेपर होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करके चले आते हैं, जो लोग अपना 140 जोड़ करके बैठे हैं ना, वो लोग भी ये सब लोग 2-4 नंबर कम ही पाते हैं, क्योंकि वो लोग बबल मिस्टेक कर सकते हैं, कर देते हैं भाई 100 में सब लोग 2-3 क्वेश्चन आप लोग बबल मिस्टेक जरूर कर देते हो, अगर आप मानो या ना मानो, जब आप पेपर का रिजल्ट आएगा आप खुद देखोगे। तो ऐसा मान के चलो कि जो भी कट ऑफ बनेगा वो इसी हिसाब से बनने वाला है। जनरल की जो कट ऑफ है आपका 135 मैंने आपको पहले ही बताया था, तो 135 के आसपास, इस बार पेपर थोड़ा सरल आया था इसी वजह से मैं इतना बता रहा हूँ, तो 135 के आसपास, या ये मान लीजिए कि 135 प्लस माइनस 5 कर लीजिए, तो आपकी जो कट ऑफ है 130 से 140 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ओबीसी की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ओबीसी की कट ऑफ ये समझ लीजिए 125 से प्लस माइनस आप 5 कर लीजिए, 125 से 135 के बीच में, 130 के बीच में आपका रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी में आप ये समझ लीजिए 120 प्लस 5 या माइनस 5 आपकी ये कट ऑफ एससी कैटेगरी रहने वाली है। और एसटी कैटेगरी की दोस्तों अगर हम बात करें, तो एससी कैटेगरी में एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, तो एसटी कट ऑफ ये समझ लीजिए 110 नंबर के आसपास एसटी कैटेगरी कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम जनरल गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की कट ऑफ इसमें कोई जनरल नहीं होता है, यहाँ पर गर्ल्स की कट ऑफ बात करते हैं, तो गर्ल्स की कट ऑफ ओबीसी के आसपास ही बिल्कुल रहेगी, देख लीजिएगा, यानी कि 125 से लेकर के 135 के बीच में गर्ल्स की कट ऑफ रहेगी। और इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप और डीएफएफ की बात करें, तो फिजिकल हैंडीकैप और डीएफएफ की जो कट ऑफ है आपका 115 से 120 के बीच में रहने वाला है। और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है, अगर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात करें, तो आपका 100 से 110 के बीच में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो है वो रहने वाली है, वो डिपेंड करता है उनकी वैकेंसी के ऊपर, उनकी वैकेंसी कितनी है। तो ये भाई इन पूरा कट ऑफ एनालिसिस है पिछली बार को देख करके, इस बार आपके जो कॉमेंट आए हैं उन सबको देख करके, और आई होप आपको इसमें होप आपको नज़र आई होगी और ये कट ऑफ आप लोग शायद संतुष्ट होंगे इससे, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट देखने के बाद, बहुत सारे लोगों के एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ मैंने बताया है, और इसके पहले मैंने आपको बताया था तो वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आप लोग जो तैयारी है अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करते रहिए, टाइपिंग के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। टाइपिंग को कई लोग अभी भी कॉमेंट करके बार बार पूछते हैं सर इसमें क्या बोलते हैं, टाइपिंग में कितनी स्पीड चाहिए, कितना WPM चाहिए, वर्ड पर मिनट। तो भाई मैं आपको कितनी बार बताऊं कि टाइपिंग में कहीं पर भी आपका नहीं लिखा है कि टाइपिंग टेस्ट होना है, या कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको इतने वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। आपका होना क्या है, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, यानी कि CET होना है। अब CET में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपकी टाइपिंग स्पीड पर नहीं दिया जाता है, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आपकी फॉर्मेटिंग पर। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी फॉर्मेटिंग पर, तो हमेशा कहता हूँ फॉर्मेटिंग पर ध्यान दो। जो भी आप लोग जैसे हाई कोर्ट के जज ऑर्डर्स हो गए उनको आप टाइप करते हो, तो उनको देखो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे आपको सेंटर में क्या चीज़ रखना है, कौन सा अलाइनमेंट लेफ्ट में रखना है, कौन सा राइट में रखना है,
दिनांक आपको कहाँ डालना है। तो ये सब चीज़ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आप उसको क्वेश्चन को फटाक से कर लोगे। तो टाइपिंग में हमेशा ध्यान दो, मैं बार बार कहता रहा हूँ भाई, CET यानी कि कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, तो आप लोग CET पर ध्यान दीजिए टाइपिंग में, समझ गए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा, और अगर आपके और भी कोई कॉमेंट्स हैं, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। हाँ, रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है भाई APS का जो आंसर की है वो आ चुका है, APS का आंसर की रिवाइज आंसर की आ गया, कोई भी खास अंतर नहीं आया क्योंकि जो पहले था वही वाला सेम टू सेम अपलोड कर दिया गया है। तो APS का आंसर किया गया है, और होली की छुट्टी की वजह से ARO का जो आंसर की है अपलोड नहीं हो पाया इस वीक, लेकिन होली के बाद वाला जो वीक है उसमें आपका ARO का जो रिवाइज आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो टोल फ्री नंबर है मैंने उस पर कॉल किया था अभी 2 दिन पहले, तो वहाँ से मुझे ये जानकारी मिली है कि इलाहाबाद ARO का जो हाईकोर्ट का आपका रिवाइज आंसर की है उस अगले वीक में, होली के बाद वाली वीक में आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो समझ लीजिए, होली इसके रिवाइज आंसर की आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 2 हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि 10 अप्रैल के पहले पहले आपका ARO का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये जो जानकारी है सही लगी होगी, और ये जो मैं इसके पहले भी आपको कई सारी बातें बता रखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता रखा हूँ, जो भी ऑथेंटिक होता मैं वही बताता हूँ, कुछ इधर उधर की चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि कई लोग कह रहे थे सर लास्ट ईयर का ले आओ, तो मैं बहुत ढूंढा, इसके पहले मैं इसका वीडियो बना रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था मुझे, तो मुझे एक दो जगह से मिला तो मैंने इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगी, अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आके रहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसके अलावा और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे मैं यहाँ पर आपकी उसकी तैयारी भी स्टार्ट करवा सकूँ यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।